नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज़। धर्म की नगरी काशी में अब बलात्कारियों के लिए देवी मंदिरों का द्वार बंद हो गया है। सामाजिक संस्था आगमन के इस के लिए एक मुहिम शुरू की है, जिसके तहत आज वाराणसी के काली गली स्थित कालरात्रि मंदिर में दुराचारियों के साथ ही बेटियों का सम्मान नहीं करने वाले और बेटियों के जन्म पर दुखी होने वाले के मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके लिए बाकायदा मंदिर के मुख्य द्वार के साथ ही गर्भगृह सहित अन्य जगहों पर पोस्टर भी चस्पा किया गया है, जिसमें बेटी का सम्मान ना करने वाले और बेटियों के जन्म पर दुखित होने वाले व दुराचारियों का मंदिर में प्रवेश निषेध बताया गया है। इसके साथ ही पोस्टर पर निवेदक के तौर पर 2 दशक से बेटियों के जन्म सुरक्षा अधिकार की लड़ाई लड़ रहे सामाजिक संस्था के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर संतोष ओझा ने बताया कि संस्था ने आज कल रात्रि मंदिर में पोस्टर लगाकर दुराचारियों और बेटियों के जन्म से दुखी होने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की इस मुहिम की शुरुआत की है। शहर के अन्य देवी मंदिरों पर भी ऐसे ही पोस्टर लगाकर बनारस के सभी मंदिरों में ऐसे लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का अभियान चलाया जाएगा। उन्हें पोस्टर इसलिए लगाया गया है कि मन बहुत व्यथित हो गया है कि ये आजकल जो है सब जगह जो है अनर्थ हो रहा है, सब बच्चियों के साथ जो है बलात्कार कर रहे हैं, बलात्कार करने के बाद उनको जला भी दे रहे हैं। इसलिए हम ये इच्छा हुई कि ऐसा जिंदगी में प्रवेश न करें जिनके मन में ऐसी भावना आगमन। पिछले 20 सालों से बेटी बचाने का काम कर रहा है, लेकिन इन दिनों यदि देखा जाए तो निश्चित तौर पे जिस ढंग से बेटियों के सम्मानजनक घटनाएं हो रही हैं वो निश्चित तौर पे संस्था के और संस्था के लोगों को व्यथित करने के लिए काफ़ी है। समझा जा सकता है कि पिछले दिनों हम लोगों ने विष्णु भगवान हनुमान का सुमिरन किया, उनका नमन किया, और आज हम लोग श्री नारायण तिवारी जी जो महंत हैं कालरात्रि मंदिर के, उनके आदेश से उन्हीं के मंदिर में एक पोस्टर की लॉन्चिंग की। पोस्टर का संदेश सिर्फ ये होगा कि मंदिर में उन लोगों के प्रवेश को वर्जित कराया गया है जिनका नजरें ठीक नहीं है, जो व्यभिचारी हैं, जो बेटियों का सम्मान नहीं करते हैं, या फिर जिनके घरों में बेटियां पैदा होती हैं उनको वो अच्छे से नहीं लेते, खुशी मन से नहीं लेते हैं। समझा जा सकता है कि समाज में ये एक संदेश देने का प्रयास किया है आगमन, और कालरात्रि मंदिर के लोगों ने निश्चित तौर पर ये क्रम आगे भी बढ़ाएंगे, हम दूसरे मंदिरों में भी जाएंगे। देवी मंदिर चुनने का एक सबसे बड़ा मकसद ये था कि देवी वो चीज़ होती हैं जो मातृशक्ति की प्रतीक होती हैं, जो कष्ट को हरती हैं, और यही नहीं कहा जाता है कि माँ ज़्यादा जल्दी बातों को सुनते हैं। इन निवेदन के साथ आगमन और कालरात्रि दरबार में आज हम लोग हाजिर हुए हैं, एक पोस्टर की लॉन्चिंग की है और ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। यथा बनारस से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। और इसी तरह की खबर देखने के लिए इस बी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। मिलते हैं फिर एक नई खबर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।